हेलो एवरीवन, तो मैं हूं गौरव सिंह और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल स्टूडियो। तो इस वीडियो में हम लोग मंकी मैन मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं आप लोग को बता दूं, मंकी मैन मूवी का जो ट्रेलर है वो आउट हो चुका है और इसने यूट्यूब पे हर जगह आग लगा दी है भाई, तहलका मचा दिया है। तो आइए बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में। तो दोस्तों, देव कपूर की अपकमिंग मूवी मंकी मैन में वो एक हीरो का रोल तो प्ले कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो उस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और आप लोग की जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि देव कपूर ने हॉलीवुड में भी बहुत सारी हिट मूवियाँ दी हैं और ये जो मूवी है ये भी हॉलीवुड मतलब कि बॉलीवुड में तो रिलीज हो ही रही है, साथ ही साथ ये मूवी हॉलीवुड में भी रिलीज होगी। तो आइए बात करते हैं मंकी मैन के ट्रेलर के बारे में। तो भाई, इस ट्रेलर को देख के सच बोल रहा हूँ, मेरे तो पूरे गूज बम्प आ गए, मतलब कि आप लोग के गूज बम्प आना तो 100% श्योर है। हाँ भाई, बहुत समय बाद इतना तगड़ा मैंने ट्रेलर देखा है। और माना कि 2023 में एक से एक हम लोग को ट्रेलर देखने के लिए मिले और एक से एक नई हिट मूवियाँ भी आईं, पर ये जो है इसका ट्रेलर एक अलग लेवल का है। और मैं आप लोग को सच बोल रहा हूँ, इसका ट्रेलर इतना शानदार है कि आप अगर आप लोग ने एक बार देखा तो भाई मूवी देखने के लिए आप लोग पागल हो जाओगे। तो दोस्तों, ये जो मूवी है वो एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है और जो देव पटेल है उनके अलग अलग एक्शन अवतार हमें इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। और जो ये ट्रेलर आउट हुआ है इसमें देव पटेल के हमें बहुत सारे एक्शन सीन्स भी देखने के लिए मिले हैं, जो कि देख के भाई मज़ा ही आ गया है। तो मतलब कि ये जो मूवी है आपको 100% एक्शन का फुल पैकेज आप लोग को देखने के लिए मिलेगा इस मूवी के अंदर। और आइए बात करते हैं इस मूवी की शूटिंग की। तो इस मूवी की जो शूटिंग है वो इंडिया के अंदर ही हुई है, जो भी सीन्स ट्रेलर के अंदर दिखाए गए हैं वो सब इंडिया के ही हैं। और जो इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है, ये जो स्टोरी लाइन है वो और कुछ नहीं, अमीर और गरीब के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसके ऊपर ही बेस्ड है कि अमीर और गरीब के जो कॉन्फ्लिक्ट है वही सब हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी लाइन है ये मेरे को अच्छी नहीं लगी इस मूवी की, क्योंकि ऐसा दूसरी मूवी हम लोग ने देख रखा है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है अमीर और गरीब के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। मैं कुछ इससे अच्छा और बढ़ के मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, पर चलो ठीक है, अभी भी उम्मीद करते हैं कि कुछ तो मज़ेदार आने वाला ऐसा तो लग रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग बताया था कि इस मंकी मैन मूवी को देव पटेल ही डायरेक्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों मेरे को लगा नहीं था कि देव पटेल इतना अच्छा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर ये जो ट्रेलर देखने के बाद मेरा पूरा थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो चुका है, क्योंकि ये इतना अच्छा ट्रेलर आउट किया है और इतना अच्छा डायरेक्शन है इस ट्रेलर का, ये देख के मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ, इतना फैंटेस्टिक वर्क किया, इतना अच्छा डायरेक्शन, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया है। मतलब कि मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये मूवी देखने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि मंकी मैन की जो मूवी है उसके अंदर एक्शन तो हमें भर भर के देखने के लिए मिलने वाला है, पर इस मूवी के अंदर साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा भी देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इस मूवी की स्टोरी लाइन कुछ इस प्रकार है कि जो देव पटेल हैं उनकी माँ को बचपन में ही मार दिया जाता है, उसी का बदला लेने के लिए जो देव पटेल हैं वो अपने दुश्मन को ढूंढने के लिए निकलते हैं। और फिर वो देखते हैं कि जो ये दुनिया है यहाँ पे अमीर और गरीबों के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, अमीर जो है वो गरीब को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं और गरीबों बहुत ज्यादा अन्याय भी कर रहे हैं। तो जो देव पटेल हैं वो गरीबों के मसीहा और कुछ ऐसा इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। तो इस मूवी की जो कहानी है वो इसी बीच में घूमने वाली है और इस मूवी के जो विलन है वो बहुत ज्यादा ताकतवर और पावरफुल हैं। तो मंकी मैन के ट्रेलर के अंदर हमें रेसलिंग कुछ सीन्स देखने के लिए मिले हैं, जहाँ पे देव पटेल जो है वो व्हाइट कलर का मास्क पहन के रेसलिंग में फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि देव पटेल और रेसलिंग का क्या कनेक्शन दिखाते हैं इस मूवी के अंदर, और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। तो दोस्तों, मंकी मैन मूवी का जो डायरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है और जो मूवी में एक्शन और कोरियोग्राफी है वो भी बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस ट्रेलर को देखने में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये मूवी है वो 5 अप्रैल 2024 को रिलीज़ हो रही है, तो देखना मत भूलिएगा ये मूवी। और मेरे अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।